आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत कोर्ट ने बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। साथ ही तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। बता दें कि सीबीआई ने धमकी देने के मामले को लेकर दिल्ली के राव जेवेन्यू कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी। तेजस्वी ने कोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है। सीबीआई के वकील ने इस जवाब का विरोध किया है। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान पढ़कर सुनाया। इससे पहले तेजस्वी के वकील ने कहा कि अगर सीबीआई को लगता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसरों को धमकी दी है तो वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते। वकील ने ये भी पूछा कि आप हमें बताइए कि हमने जमानत की किस शर्त का उल्लंघन किया है, ये तेजस्वी यादव की छवि खराब करने की कोशिश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें हुई उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि तेजस्वी ने जांच एजेंसियों को धमकाया है, इसलिए उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए। वकील ने यह भी कहा कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। तेजस्वी आईआरसीटीसी घोटाले में जमानत पर है और सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगा रखी है, जिसके बाद स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। इसी मामले में उन्हें हाजिर होना है। सीबीआई का ताजा आरोप है कि तेजस्वी यादव ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। करो फ्री खुद को स्ट्रेस से, गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।